कॉस्मिक बाइट की तरफ से एक और ब्रह्मांड आ गया हमारे पास। पहले फोबोस आया, फिर ओरायन आया, अब सीरीज आ गया। कॉस्मिक बाइट ने सोच लिया पूरे ब्रह्मांड का टूर करवा देंगे। चलो कोई बात नहीं, आज सीरीज का टूर कर लेते हैं। आगे पता नहीं और कौन कौन से आने वाले हैं। कुछ ऐसा सुंदर सा बॉक्स आएगा जब आप अपना हेडफोन ऑर्डर करोगे। ये सफेद घूंघट में से निकला हमारा हेडफोन और एक निकली पुस्तक, बाकी और डब्बे में कुछ नहीं है। भाई पुस्तक थोड़ी बहुत तुम लोग भी पढ़ लेना, वैसे मैं तुम्हें बता दूंगा सॉफ्टवेयर के बारे में, बट इसके अंदर सॉफ्टवेयर के बारे में ही जानकारी है। तो ये हमारा हेडफोन जो हमारे बॉक्स में से निकलेगा। और ओवरऑल अगर हेडफोन की लुक देखो कितनी ही प्यारी लुक है। ये जो आउटर वाला पोर्शन है ये लग रहा है मेटालिक है, बट ये सिल्वर पेंटेड प्लास्टिक है। और इसके अंदर आप गौर से देखो तो कॉस्मिक बाइट का लोगो बना अंदर की तरफ। और ये वाला जो पोर्शन है ये प्योर मेटल में है, और बाकी जो ईयर कप्स है वो भी प्लास्टिक में। और ईयर कप्स के कुशन एज ऑलवेज इक्विनॉक्स की सारी सीरीज के कुशन पोले पोले हैं। और दूसरे हेडफोन से आता है फोबोस और ओरायन का भी रिव्यू है चैनल पर, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और आई कार्ड में भी, वो भी इसके बाद देख लेना। ये इन्होंने एक साथ ही लॉन्च किया, तो अभी आगे और हेडफोन्स भी आने वाले हैं। स्टे ट्यून्ड रहो चैनल से, सब्सक्राइब कर दो, पहली बार आया तो लाइक तुम्हारी दो वीडियो। और ये जो इसका हेडरेस्ट एरिया है ये भी काफी सॉफ्ट है यहाँ से, और यहाँ पे पूरी सिलाई कढ़ाई कर दी है कंपनी ने सफेद कलर का धागा। और अगर दूर से इस धागे पे नजर मारोगे तो काफी बढ़िया प्यारी सी लुक देता है ये। जब इतना पोला पोला हो रहा है एक बार पहन के भी देख लेते हैं कैसा फील देता है। भाई सच में कंफर्टेबल है, मतलब हाँ है, फील है भाई हेडफोन। मैं तुम्हारे आगे ऐसा एक्ट कर रहा हूँ जैसे पहली बार पहन रहा हूँ, 15 दिन हो गए यूज करते हुए, सारा एक्सपीरियंस शेयर होगा। तो मजाक के बाद साइड में, ओवरऑल जो उसका कंफर्ट है भाई वो बहुत बढ़िया है। अगर आप पहनोगे घंटों घंटों गेमिंग करोगे कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई इशू नहीं होने वाला। और ये जो इसकी मिडल वायर है इसकी भी क्वालिटी काफी बढ़िया है, काफी मोटी मोटी सी वायर है। इक्विनॉक्स सीरीज के हेडफोन्स की वायर ने कभी डिसअपॉइंट नहीं किया, इसकी वायर भी बहुत मोटी है। देखो लोग हेडफोन्स क्यों लेते हैं, गाने सुनने के लिए, गेम खेलने के लिए। मैं आपको एक और आइडिया देता हूं हेडफोन यूज करने का, कहीं पर लड़ाई हो जाए कुछ हो जाए वायर खुली करके लेके जाओ, घुमा घुमा के कमर में मारो, किसी ने सोची ना होगी कि कोई बंदा हेडफोन से लड़ाई कर लेगा। देखो तुम्हें लड़ना है लड़ लेना, पर किसी को बताना मत कि आइडिया मैंने दिया ये वाला, ठीक है। हेडफोन फुल काम का, बाकी बीच में इसका कंट्रोलर है, यहाँ पे माइक ऑन ऑफ का बटन है, यहाँ पे वॉल्यूम अप डाउन का बटन है, और यहाँ पे इसका लाइट्स ऑन ऑफ का बटन है। और जैसे कि गेमिंग हेडफोन है तो लाइटें तो होंगी, जैसे आपको पीसी से प्लग इन करोगे तो इस तरीके से लाइट जलनी शुरू हो जाएंगी। और लाइट का इफेक्ट सेम जो आपके कंट्रोलर पर आ रहा है वही आपके हेडफोन पे, और जैसे लाइट का बटन आप दबाते हो तो बस लाइट्स ऑन ऑफ होती है, उसके अलावा कोई इफेक्ट नहीं है। ये कुछ स्पेक्ट्रा आरजीबी लाइटिंग सिस्टम इसके अंदर लगा हुआ है, अंदर कॉस्मिक बाइट का लोगो है वो भी लाइट अप है, और साइड में रिम बनी हुई है, तो कुछ ऐसा ही लाइट का इफेक्ट आपको मिलेगा इसके अंदर। और इस हेडफोन का जो वेट है वो 230 ग्राम से अप्रॉक्स है, तो इतना कोई खास भारी नहीं है, सही है हेडफोन का वेट। और इसकी वायर की जो लेंथ है वो 2.4 मीटर है, ये देखो कितनी पीछे तक आ गई भाई साहब, वायर 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 देखो तुम। और इसके अंदर आपको 50 mm के ड्राइवर्स मिलते हैं, 7.1 सराउंड साउंड आपको इसके अंदर मिलती है। और जो इस हेडफोन का प्राइस है वो 3000 रुपीज है अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे। प्राइस बढ़ा हो कभी कभार तो टेंशन मत लेना, ये 3000 ही रहता है। कभी कभी अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे टेम्परेरीली प्राइस बढ़ते हैं बट वो दोबारा से नॉर्मल हो जाते हैं, तो इस हेडफोन को तभी खरीदना जब 3000 का हो। और बाकी कॉस्मिक बाइट की वेबसाइट पे 100 रुपए सस्ता है, तो 100 रुपए की खतरनाक अमाउंट आपको बचानी है, पार्टी शार्टी करनी है तो कॉस्मिक बाइट की वेबसाइट से खरीद लो। चलो लाइट लगी थी इधर, चलो ये तो होगी हेडफोन की बात। अब हेडफोन किस लिए लेता बंदा, गाने सुनने के लिए, गेम खेलने के लिए, और मूवी वगैरह देखने के लिए। तो सबसे पहले मल्टीमीडिया का एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। मल्टीमीडिया के मामले में आप मूवी देख लो या गाने सुन लो, एक गेमिंग हेडफोन के अंदर ट्रेबल और लाउडनेस बहुत बैलेंस्ड होती है, साउंड बहुत क्लियर होती है, और इसकी साउंड भी बहुत क्लियर है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। बेस लवर हो तो मैं कहूंगा इसके अंदर एवरेज स्मूथ बेस है, कोई एक्स्ट्रा कोई ऐसा पंची और तगड़ा बेस नहीं है। तो अगर बेस लवर हो और आप सोचो मैं इसमें गाना सुन के तगड़े बेस के मजे ले लूंगा तो मत लेना। फिर बात आती है गेमिंग की, सारे प्लेटफॉर्म पे सपोर्ट करेगा ये, पीसी पे भी, स्मार्टफोन पे भी, कंसोल पे भी। और स्मार्टफोन का बहुत लोग सवाल करते हैं स्मार्टफोन पे चलेगा नहीं चलेगा, ओटीजी लगाओगे डायरेक्ट चलेगा, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो गेमिंग का एक्सपीरियंस अगर बताऊं तो स्टीरियो सेपरेशन बहुत बढ़िया है, मैंने वॉरजोन खेल के देखा था, लेफ्ट्स एंड राइट्स बहुत क्लियर। इक्विनॉक्स सीरीज के जितने हेडफोन है मैं सच बता रहा हूं बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करते स्टीरियो सेपरेशन में, गेमिंग के लिए स्पेसिफिकली अच्छे हैं। और इनके अंदर ट्रेबल और लाउडनेस है वो इतनी बैलेंस्ड है कि गेमिंग में आपको एक्सपीरियंस बहुत तगड़ा मिलता है। बाकी आपको कैजुअल गेमिंग करनी है, स्टोरी गेम्स खेलने हैं प्लेस्टेशन वगैरह पे या अपने पीसी पे, तो उसमें भी एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया है, मतलब वही मल्टीमीडिया वाला एक्सपीरियंस हो जाता है। तो ओवरऑल मैं कहूंगा कि हेडफोन की साउंड अच्छी है जिस प्राइस रेंज में आते हैं, और ओवरऑल जो लुक आपको इसके अंदर मिल रही है वो तो है ही जबरदस्त। ये इसका माइक्रोफोन टेस्ट, अभी जो आवाज सुन रहे हो इसके माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रही है, और इसका माइक्रोफोन और इसमें आपको ओमनी डायरेक्शनल माइक्रोफोन मिलता है, मतलब सारे डायरेक्शन से रिकॉर्ड कर लेता है जैसे भी आपका हेडफोन जिस भी तरीके से। और बाकी कुछ इस तरीके की साउंड है, 2 नंबर पे पंखा चल रहा है, हमेशा 2 ही नंबर पे चल रहा होता है क्योंकि हमारे को नॉइज नहीं चाहिए होती कमरे में। तो बस ये अंदाजा लगा लो कैसी लगी साउंड, आप कमेंट करके बता देना मुझे। और इसके अंदर आपको सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी मिलता है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, उससे सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेना। कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर आपका खुलेगा, यहाँ पे आपको वॉल्यूम कंट्रोल मिल जाएंगे, यहाँ से आप वॉल्यूम सेटअप कर सकते हो, उसके बाद सैंपल रेट यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, इक्वलाइजर आपको मिल जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट मोड्स मिल जाएंगे इक्वलाइजेशन के, एनवायरमेंटल इफेक्ट्स मिलते हैं, कैसे कैसे म्यूजिक आपको
एंजॉय करना है अलग अलग एनवायरमेंट में। और यहाँ पे 7.1 वर्चुअल स्पीकर शिफ्टर में लिखा, जैसे कि 7.1 सराउंड साउंड वाला हेडफोन है तो यहाँ पे आप 7.1 सराउंड साउंड के मजे भी ले सकते हो। बाकी आखिर में आपको कुछ यहाँ पे और म्यूजिक के फंक्शन यहाँ पे मिल जाएंगे। और बाकी इसके अंदर माइक के ऑप्शन भी मिलते हैं, माइक्रोफोन बूस्ट आप सेटअप कर सकते हो कुछ अपने गेमिंग के हिसाब से या कुछ म्यूजिक वगैरह गाना हो, सैंपल रेट चेंज हो जाएगा माइक्रोफोन का। माइक्रोफोन में भी यहाँ पे एको ऑप्शन मिलता है, आप एको ऐड कर सकते हो। और मैजिक वॉइस का भी, जो एक बार आपको ओरायन वाली वीडियो में दिखाया था, ओरायन वाली वीडियो देख लेना जिसने नहीं देखी। और बाकी यहाँ पे आपको नॉइज रिडक्शन के फीचर भी मिलते हैं। तो ये थे इसके सॉफ्टवेयर फीचर्स, ये था इसका रिव्यू। और कंक्लूजन की अगर बात करूं तो ओवरऑल हेडफोन भाई मेरे को तो सही लगा, 3000 रुपए के रेट में 7.1 सराउंड साउंड है, 50mm के ड्राइवर्स हैं और बाकी ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है वो बढ़िया है, बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। बाकी आपके क्या थॉट्स है इसके बारे में वो कमेंट करके जरूर बताना, लाइक मार देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।